अस्सलाम वालेकुम। आज से जो है 2403 कलेक्शन नंबर 16 है, कोकोन स्पिनिंग इन इंसेक्ट्स सच एज मूथ्स, यानी कोकोन की स्पिनिंग इंसेक्ट्स के अंदर और मूथ्स के अंदर, जैसे मूथ्स के अंदर, ठीक है। मूथ्स क्या होती हैं, एग्जांपल है इंसेक्टिव बिहेवियर्स की, जो कोकोन स्पिनिंग्स। अब कोकोन का घूमना, यानी कोकोन के घूमने की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। अब एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर और इनेट बिहेवियर, ये किस को कौन स्पिनिंग किसकी एग्जांपल में से है, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर और इनेट बिहेवियर की। ये हमारे क्विज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर और इनेट बिहेवियर की एग्जांपल क्या है। कोकोन स्पिनिंग, आ कोकोन इज प्रोटेक्टिव केसिंग, और कोकोन क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ठीक है। यूजली मेड ऑफ सिल्क, जो सिल्क की बनी होती है। दिस केसिंग प्रोटेक्ट द लार्वल और इमेच्योर स्टेट, यानी ये जो केसिंग है वो क्या किसको प्रोटेक्ट करती है, लार्वल स्टेज को या इमेच्योर स्टेज, यानी जिसमें अभी जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने एडल्ट फॉर्म में नहीं पहुंचा है, ठीक है। ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉम द एलिमेंट, इंसेक्ट्स की हिस्से से लेकर, ठीक है, ऑफ इंसेक्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनसे, सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे कि अब वो लार्वा को किस किस चीज़ों से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, इंसेक्ट्स के एलिमेंट से और एक्सट्रीम टेम्परेचर से। इनसाइड द कोकोन, कोकोन के अंदर जो है लार्वा, विच इज़ ऑफन वर्म लाइक, जो वर्म की तरह का होता है, ठीक है, विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के अमल में चला जाता है और इमर्ज हो जाता है, यानी उसके साथ घुल जाता है एज एन एडल्ट, एडल्ट की तरह। अब उसके बाद है कोकोन स्पिनिंग इन इंसेक्ट सच एज मोथ्स, कोकोन बिल्डिंग बिल्डिंग इंसेक्ट, कोकोन की जो है बिल्डिंग इंसेक्ट्स वो कैसी हैं, बटरफ्लाई एंड मोस आर द मोस्ट कॉमन कोकोन बिल्डिंग इंसेक्ट्स। अब मोस्ट कॉमन जो बिल्डिंग इंसेक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, बटरफ्लाई हैं और मोस हैं। देयर लार्वा विच आर कैटरपिलर्स आर वेरेशियस ईटर्स, वेरेशियस ईटर्स क्या होती हैं, वेरेशियस ईटर्स वो होते हैं जिन्हें मतलब जो सिर्फ खाने का शौक होता है, उन्हें अगर भूख हो या ना हो वो सिर्फ खाने के लिए घूमते ही रहते हैं, ठीक है। द जो लार्वा जो है वो कैटरपिलर है और क्या है, वोरेशियस ईटर्स हैं। कैटरपिलर स्पिन सिल्क, कैटरपिलर क्या करते हैं, इसके स्पिन सिल्क को जो है वो स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। एंड दिस सिल्क इज़ यूज टू फॉर्म द कोकोन, और ये सिल्क किसके लिए यूज़ होती है, कोकोन बनाने के लिए। अब कोकोन क्या करती है, ये लार्वल स्टेज को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। फॉर द प्यूपल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्यूपा की जो स्टेज है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। द फाइनल स्टेज बिफोर एडल्टहुड, यानी फाइनल स्टेज जो है एडल्टहुड की उसके लिए, ठीक है। कोकोन स्पिनिंग बिहेवियर, अब कोकोन स्पिनिंग का जो है वो बिहेवियर कैसा है, सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट इंटरनल फैक्टर प्रेसिंग फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्पिनिंग, यानी क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो प्रेस करते हैं इसको स्पिनिंग, यानी घुमाने के जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए। ड्यूरिंग स्पिनिंग, स्पिनिंग के दौरान टर्निंग द इंटायर बॉडी अराउंड, ये अपने बॉडी को मुकम्मल तौर पर ऐसे घुमाते हैं। फिर उसके बाद है द स्पिनिंग बिहेवियर इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मूवमेंट पैटर्न्स। अब ये स्पिनिंग बिहेवियर जो है वो इसके अंदर दो तरह के जो है वो डिस्टिंक्ट और म्यूचुअल, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले जो है वो पैटर्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो वो कौन कौन सा स्ट्रेचमेंट है और स्विंग स्विंग, यानी स्ट्रेचमेंट अपने आप को खींच लेना, और उसके बाद है जो स्विंग स्विंग यानी झूला झुलाने वाला, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिकली द सिल्क वर्म्स हैड्स ऑन मूवमेंट पैटर्न टर्न इट्स बॉडी अराउंड एंड बिगिंस द सेकेंड सीरीज ऑफ मूवमेंट, यानी एक सीरीज में क्या करता है ये कि सिल्क जो है वो अपने मूवमेंट पैटर्न को स्टार्ट करता है और अपनी पूरी बॉडी को ऐसे राउंड अबाउट जो है वो घुमाता है, उसके बाद जो है सेकेंड सीरीज स्टार्ट होती है मूवमेंट की। ड्यूरिंग जो है पीरियड से स्पिनिंग, दूसरे पीरियड में मतलब जब ये अपने आप को घुमाता है, द सिल्क सडनली, जो सिल्क वर्म जो है वो अचानक ऑल कंसंट्रेशन ऑफ आउटर इन्वेलप ऑफ द कोकोन, ये जो कोकोन के आउटर जो है इन्वेलप है उसकी कंसंट्रेशन को स्टार्ट करवा देता है, ठीक है, सॉरी रोक देता है। इट देन स्पिन अ लूज इंटरमीडिएट लेयर एंड फाइनली कम्पैक्ट इनर इन्वेलप, तो फिर क्या होता है कि ये इनके दरमियान जो है एक खिंचाव वाला रिलेशन जो है वो पैदा हो जाता है इंटरमीडिएट लेयर के दरमियान और इनर इन्वेलप के दरमियान, ठीक है। इवन इफ दीज एक्शंस आर नॉट इलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर ये जो एक्शन है इनको इलेक्ट ना किया जाए यानी रोका ना जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, दे मस्ट नेसेसरी, ये तो ज़रूरी हो जाएंगे विद द आउटकम ऑफ इवेंट्स ओरिजिनेट विद द इन द इंसेक्ट सेल, यानी ये जो है और इवेंट्स जो है वो स्टार्ट ओरिजिनेट हो जाएंगे, ओरिजिन बन जाएंगे किसका, इंसेक्ट्स के
इंसेक्ट्स के खुद का, ठीक है। एग्जांपल है इंसेक्टिव बिहेवियर्स की, वेब मेकिंग, लेसन नंबर 17 है वेब मेकिंग इन स्पाइडर, यानी जाल कैसे बनते हैं स्पाइडर्स, ठीक है, जाल का बुनना स्पाइडर्स में। अब क्या है एग्जांपल है इंसेक्टिव बिहेवियर, ये भी इंसेक्टिव बिहेवियर की एग्जांपल है कि वेब मेकिंग कैसे होती है स्पाइडर्स के अंदर। एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिव बिहेवियर, इंसेक्टिव और इनिट बिहेवियर, स्पाइडर वेब और कोब वेब, यानी एक स्पाइडर और कोब वेब, यानी वेब को बुनने वाला, फ्रॉम द आर्चिक वर्ड, ये एक आर्चिक वर्ड है कोब, जिसका मीनिंग होता है स्पाइडर, इज अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय अ स्पाइडर, ये जो है स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया गया है स्पाइडर्स के जरिए, आउट ऑफ प्रोटीनियस शियस स्पाइडर सिल्क एक्सट्रूटेड फ्रॉम इट्स स्पिनरेटर्स जनरली मेंट टू कैच इट्स प्रे, यानी कि ये जो है स्पाइडर के अंदर जो मौजूद है प्रोटीनियस सिल्क है उसके जरिए, और ये कहाँ से खारिज होती हैं, स्पिनरेटर्स के जरिए, और ये इसका जनरली जो मीन है वो क्या है, मकसद क्या है, ये कैच करते हैं प्रे को। स्पाइडर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सिल्क थ्रेड टू बिल्ड देयर वेब्स। अब क्या करते हैं स्पाइडर्स जो है वो सिल्क की तरह का जो थ्रेड है, धागे हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं और बिल्ड करते हैं अपनी वेब्स को। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन सिल्क ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर्स स्पिनरेटर्स, यानी सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होती है सिल्क ग्लैंड में, किसकी हेल्प के जरिए, स्पिनरेटर्स की मदद से। अब स्पिनरेटर्स क्या होते हैं, स्पिनरेटर्स आर स्पेशल ऑर्गन, स्पिनरेटर जो है वो स्पेशल ऑर्गन होते हैं दैट अलाउ द स्पाइडर, जो अलाउ करते हैं स्पाइडर्स को टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इट नीड फॉर द वेब, जो उसको बताते हैं या अलाउ करते हैं कि किस तरह के थ्रेड की, किस तरह के धागों की ज़रूरत है वेब को बनाने के लिए। द सिल्क थ्रेड कैन बी थिक और थिन, जो सिल्क के जो थ्रेड हैं वो धागे जो हैं वो थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं और स्टिकी भी हो सकते हैं, वीडियड और स्मूथ भी हो सकते हैं। उसके बाद है द थ्रेड्स ऑफ स्पाइडर्स यूज टू कंस्ट्रक्ट इट्स वेब बिगिंस एज लिक्विड बट दे ड्राई क्विकली इन द एयर। द थ्रेड स्पाइडर्स जो हैं, थ्रेड का जो स्पाइडर है यूज़ होता है किसमें, कंस्ट्रक्शन में, किसकी, वेब बिगिंस, यानी जब जाल का बुनना स्टार्ट होते हैं तब, एज लिक्विड फॉर्म में, बट दे ड्राई क्विकली इन द एयर, ये हवा में जो है, हवा की वजह से, हवा के कंटेक्ट में आने की वजह से ये क्विकली ड्राई हो जाते हैं। मेकिंग वेब इज़ इंस्ट्रक्टिव फॉर स्पाइडर्स, जो वेब का बनना है वो इंस्ट्रक्टिव है स्पाइडर्स के लिए, विच मीन्स, जिसका मतलब है नोबडी हैज़ टू टीच दैम हाउ टू डू इट, यानी कोई नहीं सीख सकता कि ये इसने कैसे जो है अपना वेब बनाया है। दे आर बॉर्न नोइंग हाउ, इसी वजह से ये जो है मतलब ये पैदाइशी इनके अंदर सलाहियतें हैं। प्रोसेस ऑफ वेब मेकिंग, प्रोसेस क्या है वेब मेकिंग का, व्हेन अ स्पाइडर्स बिगन अ वेब, यानी जब एक स्पाइडर जो है वो स्टार्ट करती है जाल बुनना, इट रिलीज अ सिल्क थ्रेड, तो ये जो है सिल्क के धागों को जो है रिलीज करती है, इट एंकर्स द थ्रेड टू सम ऑब्जेक्ट सच एज अ ब्रांच, यानी ये एंकर करती है थ्रेड को कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एज अ ब्रांचेस, ठीक है। एज द स्पाइडर्स मूव बैक, जब स्पाइडर जो है वो मूव करती है बैक की तरफ, इट एड्स मोर थ्रेड्स, ये जो है अपने और जो है धागों को, या मतलब पीछे होती रहती है और थ्रेड्स को अपने जाल के साथ लगाती रहती है। स्ट्रेंथनिंग द वेब, मतलब उसके वेब को जो है वो मजबूती फ्राहम करती है, एंड क्रिएटिंग अ पैटर्न, और एक पैटर्न जो है वो क्रिएट कर देती है। उसके बाद लाइंस दैट गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेब आउटवर्ड आर कॉल्ड रेडियल लाइंस, यानी जो वो लाइंस जो सेंटर से बाहर की तरफ गुजर रही होंगी वेब की, वो क्या कहलाएंगी, रेडियल लाइन कहलाएंगी। दे सपोर्ट द वेब, ये सपोर्ट करेंगी वेब को, ठीक है। थ्रेड दैट गो अराउंड एंड अराउंड द वेब आर कॉल्ड ऑर्ब लाइंस। अब ऑर्ब लाइंस क्या हैं, वो धागे यानी वो थ्रेड्स जो इसके इर्द गिर्द जो है वेब के होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑर्ब लाइंस होंगे, ठीक है। द मेन रीज़न, इसकी मेन रीज़न क्या है स्पाइडर स्पिन की, कि वेब इज़ टू कैच द प्रे, के वेब में जो है प्रे जो है वो कैच हो जाए। व्हेन एन इंसेक्ट, जब एक इंसेक्ट जो है सच एज अ फ्लाई फ्लाइज इनटू अ स्पाइडर्स
वेब इट गेट्स अक ऑन द स्टिकी थ्रेड, यानी कि जब एक कोई भी फ्लाई है, कोई भी फ्लाइज हैं और इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जब स्पाइडर्स के वेब में आए तो ये इसके स्टिकी होने की वजह से उसमें चिपक जाएँ, ठीक है, पकड़े जाएँ। व्हेन अ स्पाइडर कैच, जब एक स्पाइडर जो है वो पकड़ता है प्रे को इन द स्टिकी स्ट्रैंड ऑफ इट्स वेब, यानी स्टिकी स्ट्रैंड जो है उसका वेब का वो पकड़ता है, इट अप्रोच द ट्रैप्ड इंसेक्ट एंड यूजेज इट फैंग्स टू इनेक्ट विनोम, यानी कि ये क्या करता है, ट्रैप करता है इंसेक्ट को और क्या करता है, इसके फैंग्स में जो है इंजेक्ट कर देता है विनोम को, यानी जहर को। द विनोम क्या है, एट द किल्स, विनोम क्या करता है, मार देता है और पैरालाइज द प्रे, और पैरालाइज कर देता है प्रे को। लेसन नंबर 8 है नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, यानी कैसे बर्ड्स जो हैं अपने नेस्ट को बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, ये भी इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेड बिहेवियर। अ बर्ड नेस्ट इज़ द सपोर्ट, यानी बर्ड का जो नेस्ट है वो जगह है इन विच अ बर्ड लेज, यानी जहाँ पर बर्ड जो हैं वो अपने बच्चे जो है हैच करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, एंड इनक्यूबेट, और मतलब जहाँ पर उनका रहना सहना है, जहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनक्यूबेट मतलब यहाँ पर वो जाकर सो जाते हैं, ठीक है। इट्स एग और एंड रेज इट्स यंग, और अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। फॉर मोस्ट बर्ड्स, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, व्हेन अ मेल एंड फीमेल फॉर्म अ ब्रीडिंग पेयर, नेस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज विल फॉलो। जब कोई भी मेल और फीमेल जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेयर्स की सूरत में, तो फिर उस वक्त वो जो है अपने नेस्ट वगैरह को बिल्ड करते हैं, ठीक है। नेस्ट बिल्डिंग इज़ एन इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर एज बर्ड हैव इन एबिलिटी टू बिल्ड नेस्ट, ये इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है और जो है इनके अंदर पैदाइशी तौर पर मतलब मौजूद होता है, इन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना इन्हें देख के जरूरत, ना इन्हें देखने की ज़रूरत है कि नेस्ट कैसे जो है इन्हें इन्होंने बिल्ड करना, ठीक है। ये इसलिए इनको जो है ये एक इनट बिहेवियर है, ठीक है। नेस्ट जो है बिल्डिंग बिहेवियर, अ नेस्ट साइट जो है, एक नेस्ट की जो साइट है, इज़ फर्स्ट सेलेक्टेड एंड नेस्ट बिल्डिंग बिगिंस, पहले क्या करेंगे, ये कोई भी दरख्त जो है, कोई भी जगह जो है वो चूज़ करेंगे जहाँ पर ये अपने नेस्ट को जो है वो बिल्ड करें, उसके बाद जो है वो नेस्ट की बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। दिस कैन इन्वॉल्व बोथ बर्ड एज अ पेयर और अदर सेक्स अलोन, यानी ये जो है दोनों बर्ड्स मिलकर भी, फीमेल और मेल मिलकर भी जो है वो बना सकते हैं और अलग अकेले भी बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट जो है वो नेस्ट को जो है वो डेवलप करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद है सम नेस्ट आर वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, कुछ जो घोंसले हैं वो काफ़ी जो है सिंपल होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, वाइलेस्ट अदर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बर्ड्स यूजुअली ओनली बिल्ड नेस्ट फॉर होल्डिंग देयर एग्स एंड रियरिंग चिक्स, अब क्या करते हैं बर्ड्स, क्यों अपने बर्ड्स को नेस्ट को बिल्ड करते हैं, अपने मेन उनका रीज़न होता है अपने एग्स को होल्ड करने के लिए और अपने चिक्स को रियर करने के लिए। उसके बाद है बर्ड बिल्ड्स नेस्ट टू, अब क्या करते हैं, क्यों बर्ड जो है वो बिल्ड करते हैं नेस्ट को, टू ले देयर एग, अपने एग्स को निकालने के लिए, इन द कीप देम सेफ, उन्हें सेफ महफूज रखने के लिए, टू इनक्यूबेट देयर एग्स, अपने एग्स को इनक्यूबेट करने के लिए, रेज देयर चिक्स, अपने चिक्स को बढ़ाने के लिए यानी उनको पालने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर एग्स, अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड चिक्स फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड एडवर्स वेदर कंडीशन, और अपने चीक्स को प्रीडेटर बनने से और वेदर कंडीशन से महफूज रखने के लिए। नेस्ट एंड बिल्ड इन, नेस्ट आर बिल्ड इन, क्यों जो है इनको नेस्ट जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। हैजेस कहाँ पर ये बोल्ड करते हैं, हैजेस बुशेस एंड ट्रीज, यानी हैजेस पर, बुशेस यानी ब्रांचेस वगैरह पर, और उसके अलावा जो है ट्रीज में डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी ये बना लेते हैं अक्सर, होल्स में किसी भी जगह ट्रीज में, और रीड्स बाय रिवर्स एंड लेक्स, और रिवर्स और लेक्स के करीब जो है, ट्यूनल इन रिवर बैंक एंड क्लिफ्स ऑन क्लिफ लेज, और उसके बाद है स्पैरो मेड इट्स नेस्ट फ्रॉम द स्टैक ऑफ ग्रास, ग्रासेस पर भी बना लेती हैं। द रीड वार्बल्स जो है सच एज वेयर बर्ड्स, जो रीड वार्बल्स है जो है वो वेयर बर्ड्स है, ये वेव इट्स नेस्ट एंड अटैच इट टू रीड स्टैम, यानी ये अपने घोंसले को लेकर उड़ जाता है और रीड स्टैम पे जाके अटैच कर देता है, ठीक है। लार्ज बर्ड सच एज रूक्स, मैगपाइज एंड क्रोज मेक वेरी सिंपलेस्ट फ्लैट नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स, ठीक है, ये शाखों पर जो है वो
अपना सिंपल सा एक नेस्ट जो है वो बना लेते हैं। दिस नेस्ट आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म नेस्ट। ये नेस्ट क्या कहलाते हैं? प्लेटफॉर्म नेस्ट कहलाते हैं। अभी से याद रखना कि प्लेटफॉर्म नेस्ट कौन कौन बना सकता है। मैचपीस जो है लार्ज जो बर्ड्स हैं वो बनाते हैं, जिसमें रॉक्स मैचपीस क्रोज वगैरह हैं, जो सिंपलेस्ट फ्लैट किस्म के नेस्ट होते हैं। ठीक है, लेसन नंबर 19 है इनट बिहेवियर ऑफ थ्री स्पिंड स्टिकल बैग फिश। यानी स्टिकल बैग फिश का बिहेवियर, स्टिकल बैग एग्जिबिट स्टीरोटाइप्ड इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ये जो है स्टिकल बैग एग्जिबिट करती है, क्या करती है? स्टीरोटाइप्ड को इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ये, सच एज माइग्रेशन, यानी माइग्रेट कर जाना। ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग, जिसमें नेस्ट बिल्डिंग भी आ जाती है, यानी अपने घोंसले को बिल्ड करना। टेरिटरी यानी हादसात से तहफ़ के लिए एग्रेशन। ठीक है, कॉर्डशिप और पेरेंटल केयर, यानी अपने बच्चों को तहफ़ भी देती हैं। ठीक है, दे आर अ गुड एग्जांपल ऑफ मेल डोमिनेटिंग एंड नेस्ट बिहेवियर टू। यानी ये जो है गुड एग्जांपल है किसकी? मेल डोमिनेटिंग की और नेस्टिंग बिहेवियर की। ठीक है, नॉर्मली ब्रीड इन लेट मार्च एंड अर्ली अगस्त। ये जो है आमतौर पर मार्च में या अगस्त के स्टार्ट में ही ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, यूजुअली लिव इन स्कूल्स, वो स्कूल्स नहीं है, मतलब एक ग्रुप्स में कह सकते हैं इसको। ठीक है, बट एट द बिगनिंग ऑफ ब्रीडिंग सीजन मेल आइसोलेट इटसेल्फ। यानी जब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है, यानी जब अपने बच्चों को इनके ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं, तब मेल जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं अपने आप को इनसे। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बिहेवियर इन थ्री स्पिंड स्टिकल बैग। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है इनमें थ्री स्पिंड स्टिकल बैग का क्या है? पहले फिश, फिर माइग्रेशन और फिर नेस्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिश पढ़ेंगे। असेक्सुअली मैच्योर स्टिकल बैग फिश मेल विल हैव अ रेड कलर्ड बैली टू अट्रैक्ट द फीमेल। अब क्या होता है, जो सेक्सुअली मैच्योर स्टिकल बैग फिश है मेल, तो उसका क्या होता है? रेड कलर का बैली होता है, जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है फीमेल को। ठीक है, अब मैच्योर स्टिकल बैग फिश जो है वो माइग्रेट करती है टू वार्म शैलो वाटर में। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। माइग्रेशन क्या है? एक इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ट्रिगर्ड बाय द इंक्रीज इन गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, विच इज़ इन टर्न कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। यानी ये किसकी वजह से ट्रिगर्ड होती है? गोनाडोट्रॉपिक के हार्मोन की वजह से, जो कंट्रोल्ड होती हैं किससे? एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि टेम्परेचर हो गया और फोटो पीरियड, यानी रोशनी की जितनी भी शिद्दत होगी। ठीक है, ऑन रीचिंग शैलो वाटर द फिश इज बिल्ड अ नेस्ट। जब वो शैलो वाटर में पहुँच जाती हैं तो क्या करती हैं? अपना नेस्ट बिल्ड करती हैं, यानी अपना घर तामीर करती हैं, विच इज़ ओपन एट बोथ एंड विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड सीड। यानी ये दोनों तरफ से खुला होता है, इसके दोनों एंड्स जो हैं वो खुले होते हैं, इसकी हेल्प मदद से, प्लांट्स और बीड्स की मदद से। द नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन वेजिटेशन इन द वाटर। अब नेस्ट बिल्डिंग जो बिहेवियर है वो किसकी वजह से है? ट्रिगर्ड है इसकी प्रेजेंस की वजह से, ग्रीन वेजिटेशन की वजह से, यानी ग्रीनरी की वजह से, और पानी के अंदर जो है ये जो ये कह सकते हैं वीड्स की वजह से। दस ही एक्वायर अ स्मॉल टेरिटरी। यानी इनको कुछ हदशात, कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। एग्जिबिट टेरिटरी विच मीन्स इट डिफेंड द एरिया अराउंड द नेस्ट। यानी अपने एरिया को डिफेंड करते हैं, तहफ़ देते हैं नेस्ट के आसपास फ्रॉम अदर मेल फिश, दूसरे मेल फिश से, दैट आर आल्सो इन रीच ऑफ सूटेबल नेस्टिंग ग्राउंड। जो किसकी तलाश में होते हैं? सूटेबल नेस्टिंग से, जहाँ पर उन्हें अपना नेस्ट जो है वो तामीर करना होता है। देयर फिश विल बिकम अग्रेसिव। फिश जो है वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है, एग्जिबिट थ्रेट पोस्टर और गुस्से वाले पोस्टर जो है वो शो करती है, फेसिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अपना मुंह शो कर, जब मुंह करती है। द साइन स्टिमुलस फॉर टेरिटोरियल एंड अग्रेसिव बिहेवियर इज रेड बैली ऑफ द अदर मेल फिश। यानी ये जो बिहेवियर है उनका मुंह खोल के नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाना, ये इसके अग्रेसिव होने को, यानी उसके गुस्सा होने को शो करता है और बताता है दूसरे मेल फिशेस को कि ये यहाँ आप लोगों ने नहीं आना। द प्रेजेंस ऑफ फीमेल ट्रिगर्स। फीमेल जो ट्रिगर्स हैं, द कर्टशिप
बिहेवियर इन द मेल बिकॉज ऑफ द स्वेलन बैली, यानी उसकी जो है बैली के स्वेलन होने की वजह से, मोटा होने की वजह से, बैली दैट इज फुल ऑफ एग्स, जो एग्स से भरा होता है। द मेल परफॉर्म्स एज इज जैग डांस विच विल अटैक द फीमेल, यानी मेल क्या करता है, जिग जैग डांस करता है, यानी अपने आप को मूव करवाता है आसपास और फीमेल से अट्रैक्ट, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, होगा। फिर ड्यूरिंग हिज डांस द मेल ऑलवेज एक्सपोज हिज रेड बैली टू द फीमेल और द मेल लीव द फीमेल इन टू द नेस्ट टू रिलीज इट्स ओवा दैट आर इमीडिएटली फर्टिलाइज बाय द मेल। मेल क्या करेगा, फीमेल को के अंदर, फीमेल के नेस्ट के अंदर ओवा को रिलीज करेगा जो इमीडिएटली फर्टिलाइज हो जाएगी मेल के जरिए, ठीक है। आफ्टर दिस द फीमेल इज ड्रिवन आउट द मेल, मेल ल्योर अदर फीमेल्स टू इट्स नेस्ट। इसके बाद क्या होगा, फीमेल ड्राइव, फीमेल जो है वो ड्राइव करेगी क्या आउट मेल को और दूसरी फीमेल्स के जो है को के नेस्ट की तरफ वो बढ़ेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एग इन द नेस्ट ट्रिगर्स पेरेंटल केयर इन द मेल मेल फिश एंड इट विल बिगिन टू फैन द एग्स विद इट्स विंग्स एंड यंग वंस आर केयर दैट टेकन केयर बाय द मेल्स, ठीक है। द एग्स की मौजूदगी जो इन नेस्ट, नेस्ट के अंदर जो है वो क्या करेगी, ट्रिगर करेगी कि इन पेरेंटल केयर की मेल फिशेज में, ठीक है। और ये बिग फैंस टू बिगन टू फैन द एग्स, यानी ये एग्स के विद द हिट्स फिंस, यानी अपने फिंस के जरिए इनको फैन हवा जो है करेंगे, इनको तहफ़ देंगे, ठीक है, और इनकी केयर करेंगे। हेंस वेरियस stereotyped instinctive behavior instinctical bag fishes are migration nest building territory aggressions courtship and parental care, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 20 है स्विमिंग इन डॉल्फिन एंड अदर एक्वाटिक स्पीशीज। अब स्विमिंग कैसे करती हैं डॉल्फिन और दूसरे एक्वाटिक स्पीशीज। डॉल्फिन आर मरीन मैमल्स क्लोजली रिलेटेड टू वेल एंड पॉर्पोइसेस। डॉल्फिन क्या है, मरीन मैमल्स हैं, मैमल्स हैं, ये क्या है, मैमल्स हैं, ये हमारे एमसीक्यू के लिए भी जरूरी है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये वेल एंड डॉल, वेल्स आर एंड पॉर्पोइसेस। देयर आर ऑलमोस्ट 40 स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन, स्पीशीज कितनी हैं डॉल्फिन्स की, 40 हैं। डॉल्फिन आर अमंग द इंटेलिजेंट एनिमल, डॉल्फिन क्या है, इंटेलिजेंट एनिमल्स है एंड दे ओफन फ्रेंडली अपेरेंस एंड सीमिंगली प्ले फुल एटीट्यूड हैव मेड देम पॉपुलर इन ह्यूमन कल्चर, यानी जो डॉल्फिन है वो इंटेलिजेंट है और फ्रेंडली नेचर शो करता है और मतलब खेलने की जो है वो एटीट्यूड शो करता है, इस वजह से ये पॉपुलर है ह्यूमन कल्चर के अंदर। फिजिकल फीचर कैसे हैं, दे हैव अ पॉइंट स्नाउट दैट मेक देम लुक लाइक एक दे आर स्माइलिंग, यानी इनका जो पॉइंट है स्नाउट का, यानी मुंह की तरफ का, जो वो ऐसे खुला हुआ सा है, इसी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे मुस्करा रही हूँ। दे आर कार्निवर्स, ये कार्निवर्स हैं, ठीक है। डॉल्फिन हैव अ ब्लो होल एट द टॉप ऑफ देयर हेड, हेड की तरफ इनके पास एक ब्लो होल होता है, ठीक है। हेड दैट दे यूज टू ब्रीथ, जो ये सांस लेने के लिए यूज़ करती हैं। दे हैव अपर एंड लोअर जॉज विद स्मॉल टीथ, इनका अपर और लोअर जॉ होता है स्मॉल टीथ के साथ। डॉल्फिन हैव अ डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन्स होते हैं इनके अंदर, कीप देम स्टेडी व्हाइल दे आर स्विमिंग एंड टू टेल फ्लक्स फॉर मूविंग अप एंड डाउन। अब इनके पास टू टेल फ्लक्स भी होते हैं क्या करने के लिए, इनको मूव करने के लिए अप एंड डाउन। हैबिटेट इनका कैसे होते हैं, डॉल्फिन आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, डॉल्फिन जो है वो तमाम दुनिया जहाँ में जो है पाई जाती हैं, जनरली इन शैलो कोल्ड वाटर में होती हैं एज वेल एज वार्म ट्रॉपिकल वाटर में भी। अब इनका बिहेवियर कैसा है, दे ईट बिटवीन 6 and 15 केजेस ऑफ फूड पर डे, ये तकरीबन 5 से 6 जो है किलो का, 6 and 15 यानी 6 से 15 किलोग्राम का जो है वो खाना जो है वो पर डे खा लेती हैं। दे शैलो, दे स्वेल देयर फूड होल इवन थ्रो दे हैव सो मैनी टीथ, यानी अपने पूरे खाने को निगल लेती हैं क्योंकि इनके इस छोटे छोटे दांत होने के साथ, ठीक है। व्हेन बॉटल नॉज डॉल्फिन आर रेडी टू ईट
जो बॉटल नोज डॉल्फिन जो है वो हमेशा खाने के लिए तैयार रहती हैं। दे सेंड आउट आस्क आउट टू फाइंड द फूड, यानी एक स्काउट बाहर की तरफ जो है वो उछलती हैं खाने की तलाश के लिए। व्हेन डॉल्फिन्स आर लुकिंग फॉर अ मेट, जब डॉल्फिन अपने मेट को तलाश कर लेती हैं, देख लेती हैं, इट्स यूजली द फीमेल हु लुक्स फॉर द मेल, यानी आमतौर पर फीमेल जो है जो देख रही होती हैं मेल्स को। ठीक है, बिहेवियर अडाप्टेशन क्या है इनकी, डॉल्फिन वर्क टुगेदर, डॉल्फिन जो है वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं। टू फाइंड फूड, खुराक के लिए, खुराक की तलाश में, टेकिंग टर्न टू फीड, और फिर उसके बाद खाने के लिए। वाइल द अदर डॉल्फिन्स की द फिश हर्डर्ड, जो दूसरी डॉल्फिन फिश हैं वो क्या करती हैं, हर्डर्ड रखती हैं फिश दूसरी फिशेस को। ठीक है, इन बिहेवियर हैं डॉल्फिन्स के अंदर, यानी डॉल्फिन मे हैव लॉट ऑफ लर्न बिहेवियर, डॉल्फिन बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो देख के सीखते हैं, यानी लर्न बिहेवियर है इनके अंदर। बट सम ऑफ द इनट बिहेवियर, यानी कुछ जो है इनके अंदर पैदाइशी मौजूद होते हैं, आल्सो प्रेजेंट इन दैम। नो हाउ टू स्विम बाय बर्थ, यानी ये जानती हैं कि कैसे स्विम करना है बाय बर्थ। लीपिंग फ्रॉम वाटर, पानी के कैसे लीप करना है। प्रेइंग एंड ईटिंग फूड, शिकार कैसे करना है और खाना कैसे खाना है। कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ वाइड वराइटी ऑफ वोकलाइजेशन, यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना कैसा है, ये भी इनका अंदर इनट बिहेवियर है। बिहेवियर इन डॉल्फिन बिहेवियर, इन बिहेवियर कैसे होते हैं डॉल्फिन के अंदर। ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट डॉल्फिन अंडरगो डेली साइकिल ऑफ एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या इंडिकेट कर रही हैं कि डॉल्फिन रोज़ाना के बुनियाद पर अपनी साइकिल की एक्टिविटी को दोहराती हैं, विच इंक्लूड्स फीडिंग, जिनमें फीडिंग है, सोशलाइजिंग है, ट्रैवलिंग है एंड रेस्टिंग है। ठीक है, ऑल दीज आर इनट और इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑफ डॉल्फिन, ये जो है इनके इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर हैं डॉल्फिन के। बॉटल नोज डॉल्फिन शो एग्रेशन, गुस्सा दिखाती हैं, एस्टैब्लिश और सब डेवलप कर देती हैं क्या, एंड मेंटेन डोमिनेंस, और ये मेंटेन रखती हैं अपने डोमिनेंस को अपने पोस्टर्स को थ्रू पोस्टरिंग, यानी अपने रवैये के साथ, बाइटिंग और बाइटिंग, चेजिंग जाल, स्लैपिंग, स्मैकिंग देयर टेल्स ऑन द वाटर, एमिटिंग बबल, बबल्स को क्लाउड की फॉर्म में ये जो है वो एमिट करती हैं ब्लो होल्स के जरिए, और इम्पैक्ट करती हैं थ्रो बॉडी स्लैमिंग इन द मोस्ट सर्वर केसेस, बहुत से जो है रेयर केसेस में जो है वो स्लैमिंग बॉडी शो करती हैं। ठीक है, ये हमारे आज के 20 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, इंशाल्लाह कल से हम 21 लेक्चर स्टार्ट करेंगे।